सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं चार्ट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कोई गेमर या मोबाइल गेमर हो कोई तो उसके लिए, या फिर कोई स्ट्रीमर हो जिसे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है और एक पीसी बिल्ड चाहिए जिस पर वो गेम खेल सकते हैं, फ्री फायर। क्योंकि आज की वीडियो मेजरली फ्री फायर के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में देखा कि फ्री फायर को लोग आजकल बहुत ज़्यादा उस पर पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उस पर एक पीसी बिल्ड करना ज़रूरी है या मेरे एक करंट पीसी बिल्ड पे उसका एक टेस्ट करना ज़रूरी है। जो मेरा 8000 वाले पीसी बिल्ड की वीडियो थी, तो उसी के ऊपर हम टेस्ट करने वाले हैं अपने फ्री फायर को। तो अगर आप उस वाले पीसी को बिल्ड करो तो आप खेल सकते हो अपने पीसी में फ्री फायर अच्छे FPS में, मतलब एक काफ़ी डिसेंट FPS में 60+, और आपको पीसी वाली एमुलेटर वाली फील भी आ जाएगी कि आप माउस और कीबोर्ड से खेल पाओगे, आपको फ़ोन में नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि फ़ोन के स्क्रीन कुछ लोगों को फ़ोन में खेलना नहीं पसंद होता, क्योंकि उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है। तो गाइस देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 8000 वाली पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या उसकी वीडियो आ रही है ऊपर आई कार्ड में। वैसे मैं आपको थ्रोली बता दूं उसकी जल्दी जल्दी, तो उसमें एक हमने कोर 2 क्वाड Q9500 लगाया था, एक GTX 750 और 6GB की हमने उसमें ली थी रैम, मतलब 6GB रैम हमने यूज़ करी थी DDR3। तो देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद गेम प्ले भी आगे आएगा वीडियो के अंदर। सो गाइस, जब आप इसका सेटअप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको सेलेक्ट पाथ का ऑप्शन मिल जाएगा और सामने इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जहाँ भी आपको इंस्टॉल करना है वहाँ इंस्टॉल करके बस इंस्टॉल के बटन पर सीधा क्लिक करो, तो ये डाउनलोड होने लगेगा। करीब 400 MB के आसपास है, तो मेरी डाउनलोड स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है, तो ये होने लगा डाउनलोड। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो कर रहा हूँ थोड़ी सी स्किप। 15 minutes later। सो गाइस, अब हमारा डाउनलोडिंग हो चुके वो कंप्लीट, तो अभी हो रहा है इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। इतने बता दूं कि आप इस पीसी को थोड़ा अपग्रेड पाथ पर ले सकते हो, मतलब मेरे और पीसी बिल्ड्स हैं, अगर आप उन पे जाओगे तो ये गेम्स तो आपके आराम से लगेगी। तो लॉन्च हमारा चुका है इंस्टॉल, तो कर लेते हैं इसे स्टार्ट पे क्लिक। तो कैसे आप देख सकते हैं ये हो रही है लोडिंग, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो अभी मैं सोचे कि इतनी फास्ट लोडिंग होने वाली है, लोडिंग होने में कम से कम आपको लगने वाले 8 से 9 मिनट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लोड है, तो फर्स्ट टाइम में तो टाइम लेता ही लेता है, बाकी सेकंड थर्ड टाइम में तो मैं कह नहीं सकता। सो गाइस, हमारा हो चुका है फुल कंप्लीट, मतलब हमारा लॉन्च, हमारा जो एमुलेटर है वो खुल चुका है, और इसमें आपको सारी ऐप्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आपको ऊपर सब एमुलेटर और उसकी सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी बेसिक सेटिंग, मतलब 720p 1080p आपको कौन सा रिजोल्यूशन में इसको रन करना है, तो मैंने 720p किया हुआ है। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर, मतलब ये एक ऐसी फेक मॉडल नंबर होता है। यहाँ पर फिर आपको गेम सेटिंग्स कि आपको क्या क्या गेम की, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो चाहिए। फिर आपके बाकी शॉर्टकट्स, वॉलपेपर्स, ये सब ऑप्शंस आने वाले हैं सामने, तो कोई भी वॉलपेपर चाहो तो लगा सकते हो, पर इसके लिए रिस्टार्ट मांगे या तो हम रिस्टार्ट करेंगे लेटर। तो खोल लेते हैं हम इसे इंस्टॉल। आपको गेम कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए प्ले स्टोर में जाना, आपको LD प्लेयर के स्टोर में नहीं जाना, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो बस लोडिंग होती रहती है, मैंने खोल के देखा था। तो प्ले स्टोर पर खोलोगे तो प्ले स्टोर खोलने में मैं बताऊँ लिटरली 20 मिनट इसमें लिए, पता नहीं क्या इसमें ऐसा किया कि प्ले स्टोर खोलने में 20 मिनट लगे, मतलब पूरा टोटल साइन इन वगैरह करने में। तो मैंने इसको फुल स्किप कर दिया इस पार्ट को। तो हमने गेम को कर लिया इंस्टॉल, तो इंस्टॉल में ये जस्ट 657 MB का वो गेम लिखेगा। इसके बाद अपडेट भी आया गेम में अभी अभी मैंने देखा था, तो इस गेम को अब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस गेम इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम कर लेते हैं सिर्फ सिंपल प्ले पे क्लिक करते हैं। तो गाइस इंस्टॉलर में मैं कुछ फ्रेंकली बताऊं तो आराम से अराउंड 29 to 30 मिनट्स लगे। मुझे ये नहीं पता कि इसी पीसी में दिक्कत है, अगर आप SSD में इंस्टॉल करो तो शायद फास्ट हो जाए, बट बहुत ही टाइम लगा। मैं कम से कम मैं बस बंद करने ही वाला था, फिर इसने थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई तो मैंने इसे कंटिन्यू रहने दिया। तो फर्स्ट अब हम लोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लोडिंग होने के बाद फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, तो अब कर लेते हैं हम साइन इन अपनी जी अपनी फेसबुक या गेस्ट, आपको जैसे करना है इसमें, जो भी आपकी ID पहले बनी हुई है उससे आप लॉग इन कर लो। तो फर्स्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी फटाफट। सो गाइस लॉग इन कंप्लीट हो रहा है, मेरा भी लॉग इन प्रोसेस में है। तो लॉग इन ही मेरा पुराना कोई अकाउंट है, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तो बस ऐसे ही फेसबुक से कर रहा, तो अपने आप ही वो लॉग इन हो गया। और ऊपर देख सकते हैं मेरा नाम भी आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो फिलहाल तो मुझे ऐसे पता नहीं कि इसे बड़ा कैसे करते हैं, मतलब इसको फुल स्क्रीन कैसे करते हैं, और ये थोड़ा लैग भी हो रहा है क्योंकि इसमें जो पॉपअप्स, जैसे आप पबजी भी खेलते थे उसमें पॉपअप आते थे एड्स वगैरह के, तो बहुत ही लैग करते थे गेम को, और इसमें भी सेम यही सीन हो रहा है, तो ये भी काफ़ी लैग हो रहा है स्टार्टिंग में। तो 2-3 बार में ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है गेम, सेकेंड और थर्ड रन में। फर्स्ट रन में थोड़ा आपके लैग्स आएंगे वो मैं कह सकता हूँ, बट आप उससे फिर ये ना होइए कि ये गेम चल ही नहीं सकता, आपके आराम से चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं इसको विदाउट ग्राफिक्स, अभी तो मैं इसको स्मूथ सेटिंग्स पे कर रहा हूँ। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम पीसी बिल्ड करेंगे, जिसमें मैं ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं करके देखूंगा, मेरे को देखना है कि ये बिना ग्राफिक्स
ग्राफिक्स कार्ड के भी कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के साथ तो हर कोई गेम चल ही जाता है अगर आप कोई गेम चलाना चाहो, पर बिना ग्राफिक कार्ड के देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लैश स्क्वाड रैंक, क्योंकि मुझे अभी बड़ा गेम नहीं खेलना है, तो कर लेता हूँ स्टार्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर होनी शुरू हो गई है लोडिंग। तो लोडिंग को मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें लिया, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया, फर्स्ट टाइम लोडिंग गेम की थी इसलिए शायद, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो गाइस हमारा गेम खुल चुका है, आप देख सकते हो थोड़ा सा आपके ग्राफिक्स में आपकी दिक्कत आई है, तो गेम प्ले शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आपने गेम प्ले के अंदर देखा तो ये लैग्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, ये मैंने एडिटिंग के टाइम पे देखा, तो ये मैंने बाद में देखा कि ये जो हमारा प्रोसेसर था उसकी यूसेज की वजह से रिकॉर्डिंग ढंग से हो नहीं पाई और गेम प्ले अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट आप गेम तब खेलोगे अपने पीसी के अंदर तो कोई भी अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्ट्रीम में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी फुल हाई सेटिंग्स पे ट्राई करके देखा था इस गेम को, तो मैंने चेक नहीं किया कि स्ट्रीम हो पाएगी। बाकी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगी थोड़ी बहुत सेटिंग्स अगर आप अच्छे से करोगे, और गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कोई लैग्स वगैरह थे नहीं, तो आप चाहो तो 8000 वाली पीसी बिल्ड के साथ जा सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेकंड हैंड बाय करने जा रहे हो, वरना आप मेरे बाकी पीसी बिल्ड देख सकते हो चैनल के अंदर। तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटे के अंदर जरूर दबाना मेरे लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए। तब तक के लिए बाय गाइस।